अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जिस तरह के रात मैंने बताया था आप लोगों को कि बारिशें आ रही हैं, तूफ़ान आ रहा है, वैसे भी ये और तूफ़ान ना भी हो तो वैसे भी ये फ़ायदे की चीज़ है। ये देखें जी, ये टैंक है, बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल पानी भी साफ है। ये मोटर चल रही है, इसकी वजह से हर वक्त ये साफ़ रहता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको जिस तरीके से ये साफ़ रहता है। अंदर घुस रहा हूँ इसके, पहले तो दोस्तों ये चेक करें ये पानी कितना कितना है। और ये देखें, यहाँ से ओवर हो रहा है पानी। अभी आपको पाइप भी दिखाता हूँ, ये मैंने निकाल लिया है। उधर से देखें पावर रखा है, और ये देखें दोस्तों, ये हिस्सा नीचे है और ये ऊपर है, ये सुराख है ब्रीक ब्रीक। तो यहाँ से पानी निकलता रहता है ओवर हो के, जब ज़्यादा ओवर हो जाए तो इसके ऊपर से भी ये निकलना शुरू हो जाता है। अगर नीचे से साफ़ करना है तो इसको उल्टा करके लगा देते हैं, तो ये नीचे से भी साफ़ हो जाता है। तो ये चेक करें, अभी आपको सुराख भी दिखाता हूँ। ये चेक करें सुराख, तो इस तरीके से अगर आप पाइप लगाते हैं तो ये बड़ा फ़ायदे का पाइप है, बड़े इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका टैंक साफ़ रहता है, पानी आपका ओवर नहीं होता, बारिशें जितनी मर्जी हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी इसमें से टैंक में से पानी का क्या करें। पहले तो बारिश आती है तो हम लोग कहते हैं जी चलो जी टैंक को है ना, बारिश आने वाली है, टैंक को डाउन कर लो, पानी उसमें से निकाल लो। फिर भी पंजाब में अक्सर जगह पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मसले होते हैं। तो ये चीज़ थी, आगे बारिशों का सिलसिला आ रहा है मज़ीद। तो अक्सर दोस्त कहते हैं जी हमारा टैंक का नुकसान हो गया, पानी ओवर हो गया था तो मछली भी काफ़ी निकल के ज़ाया हो गई। तो इस तरीके से आपकी मछली ज़ाया नहीं होगी। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।